क्या आपका भी सपना है डाक विभाग में एक अच्छे पद पर प्रमोशन लेना? क्या आप भी प्रमोशन लेना चाहते हैं पर घर के कामों और पोस्ट ऑफिस के कामों की वजह से पढ़ नहीं पाते? तो घर बैठे करें तैयारी भारत के सर्वश्रेष्ठ पोस्टल कोचिंग प्लेटफॉर्म से। यहाँ मिलेगा आपको डेली वीडियो लेक्चर्स, डेली टेस्ट, हैंडमेड नोट्स और भी बहुत कुछ। MTS, पोस्टमैन, मेल गार्ड, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की तैयारी शुरू हो गई है। जल्द जुड़ें और अपने प्रमोशन का सपना पूरा करें। व्हाट्सएप करें 8638587698 पर। ई पोस्टल नेटवर्क, इंडिया का नंबर वन पोस्टल कोचिंग प्लेटफॉर्म। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर, डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय और सबसे बड़ा चैनल। आज आपको कमीशन के बारे में बताएंगे। आप सभी को पता है, कुछ दिन पहले हमने न्यूज़ में आपको बताया था कि अब सारे ब्रांच पोस्ट ऑफिस में कॉमन सर्विस सेंटर CSC खोलने जा रहा है। भारत सरकार और डाक विभाग मिलकर ये कॉमन सर्विस सेंटर खोलेगा और इसमें जो कमीशन होगा वो GDS के ब्रांच पोस्ट मास्टर को मिलेगा या फिर जो भी ऑपरेट कर रहा है उनको मिलेगा। ठीक है, तो आज हमें कमीशन का लिस्ट मिल गया है। आपको बता देते हैं कितना कमीशन है। पहला जो ऑर्डर निकला था उसमें कमीशन साथ में नहीं दिया गया था। ठीक है, तो कॉमन सर्विस सेंटर अगर आपको पता नहीं क्या होता है तो आप लोग एक बार गूगल कर सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर में आप लोगों को अलग अलग जो सरकारी सेवाएं होती है, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ये सारे चीज़ें जो इशू करना, अप्लाई करना, प्रिंट आउट कराना, ये सब करना होता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है, तो उस हिसाब से जो है सरकार का और डाक विभाग का अगर आप रेवेन्यू बढ़ा देते हैं तो आप लोगों को कमीशन दिया जाता है। तो अभी हम आपको बताते हैं, यहाँ पर दो कैटेगरी बताई गई है। एक, अगर आप खुद का लैपटॉप और खुद का मोबाइल यूज़ करेंगे तो आपको अलग कमीशन मिलेगा, और अगर आप डाक विभाग द्वारा लैपटॉप या मोबाइल इस्तेमाल करेंगे तो उसका थोड़ा कम कमीशन मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में आज आपको पूरा बताते हैं। एक बड़ी खबर आपको ये बता दे कि डिपार्टमेंट की कैलेंडर जारी हो गई है एग्ज़ाम की, LDCE की। 24 अक्टूबर को PA का एग्ज़ाम है, नवंबर को पोस्टमैन और दिसंबर को MTS का एग्ज़ाम है। हमने कोचिंग शुरू कर दी है। सबसे ज़्यादा प्रमोशन पूरे भारत में ही से होता है, तो अगर आप नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाइए। हमने एक दिन पहले यानी कल से ही एक हमारा कोर्स शुरू किया है 2 सितंबर से, पोस्टमैन और MTS का, और PA का भी चल रहा है। ठीक है, तो आप नीचे व्हाट्सएप नंबर है 8638587698, इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके जल्दी से जुड़ जाइए अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपना लैपटॉप और अपना मोबाइल इस्तेमाल करके CSC कॉमन सर्विस सेंटर चलाएंगे। अगर आप महीने में 5,000 तक का रेवेन्यू करते हैं, यानी इससे जनरेट करते हैं रेवेन्यू, जो आपका मुनाफा होगा या फिर आपका जो बेनिफिट होगा 5,000 रुपये का होगा, तो आपको 10% के रेट पर 500 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आप एक महीने के अंदर 5,000 से लेकर 10,000 के अंदर का रेवेन्यू करते हैं तो आपको 20% के रेट पर 2,000 रुपये मैक्सिमम आपको कमीशन मिलेगा। वहीं अगर आप 10,000 से 20,000 रुपये के अंदर का रेवेन्यू एक महीने में कर लेते हैं तो आपको 30% के रेट से 6,000 रुपये मैक्सिमम मिल सकता है। मतलब 6,000 के ऊपर नहीं मिलेगा, 30% के हिसाब से 6,000 तक ही मिल जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम ये लिमिट है। और अगर आप 20,000 से ऊपर का रेवेन्यू कर देते तो आपको 8,000 रुपये मिलेगा 40% के दर से। चलिए, अब अगर आप डिपार्टमेंट का लैपटॉप वगैरह इशू करके फिर करते हैं तो आप लोगों को परसेंटेज थोड़ा कम मिलेगा। जैसे कि अगर आप 5,000 का बिजनेस करेंगे तो 250 रुपये मिलेगा, 5,000 से 10,000 का करते हैं तो 1,000 रुपये मिलेगा, 10,000 से 20,000 का बेनिफिट करके देते हैं सरकार को तो आपको 3,000 मैक्सिमम मिल सकता है, और वहीं अगर 20,000 से ऊपर का आप करते हैं तो 4,000 ही आपको मिलेगा। तो अगर आप खुद का लैपटॉप वगैरह इस्तेमाल करके इतना बिजनेस ला पाते हैं तो आपकी सैलरी में इजाफा हो सकता है। तो ये कमीशन कुछ अभी तय की गई है, फाइनल ऑर्डर जब आएगा तो फिर से बताएंगे आपको क्या क्या चीज़ है, किस तरह से है, पूरा SOP बनेगा और सारी चीज़ें, किस तरह से आपको ट्रेनिंग होगी, किस तरह से आप लोगों को ये सारे सामान मिलेंगे, लैपटॉप हो गया, दूसरा सामान हो गया, ये सारी चीज़ें आपको अलग वीडियो में जैसे ही ऑर्डर आएगा तो बताएंगे। तो इस तरह के सारी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। और आप अगर कोचिंग नहीं करते हैं और एग्ज़ाम में सिर्फ इस तरह से बैठ जाते बिना पढ़े तो आपको नुकसान हो सकता है, आप लोगों का सिलेक्शन में जो है चांसेस कम हो जाएंगे क्योंकि कंपटीशन इतना हाई हो गया है। तो अगर आप एकदम अच्छे से पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, पूरे अच्छे एक एक लाइन पढ़ के जाएंगे एग्ज़ाम में, तो प्रमोशन के चांसेस अच्छे होंगे। इसलिए आप लोगों की पढ़ाई हमने शुरू कर दी है, नीचे व्हाट्सएप है। ठीक है, कर दीजिएगा। धन्यवाद।